Hello, viewers, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we are going to read further. In our previous video, we read about the two cyclones that came in Orissa on 18th October and on 29th October with the speed of 200 km per hour and 260 km per hour, respectively, and what effect it caused on the people living there. So, now discussing further, let's read this. But what are cyclones? बट होते क्या हैं हाउ आर दे फॉर्म कैसे ये बनते हैं वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव और ये इतने डिस्ट्रक्टिव कैसे होते हैं इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर्स टू दीज क्वेश्चन इस चैप्टर में हम कुछ क्वेश्चन के आंसर ज़रूर पाएंगे वी बिगिन विद सम एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग एयर हम इसको समझने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे जिसमें एयर इन्वॉल्व हो These activities will clarify some basic features concerning a cyclone, और इन activity se clear ho jayega ki kya basic features hain jo cyclone aane pe hoti hain Before we begin, remember that the moving air is called wind. Start करने से पहले ये याद रखिएगा कि जो moving air होती है, उसको हम wind कहते हैं। So let's begin with the new topic which is air exerts pressure. And here the activity is 8.1. In the box it's given. वेन एवर एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग हीटिंग बी वेरी केयरफुल यहाँ पे ये यह लिखा है कि जब भी आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें हीटिंग का काम है उसमें बहुत केयरफुल रहें इट इज़ एडवाइज दैट सर्च एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डरली पर्सन ऐसा एडवाइस किया गया है कि ये सारी एक्टिविटीज़ किसी एल्डरली पर्सन जब हों तब परफॉर्म करनी चाहिए फ्रॉम योर फैमिली फैमिली का और कैरी आउट दीज एक्टिविटीज़ इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर या इन एक्टिविटीज़ को तब कीजिए जब आपके टीचर प्रेजेंट हो यू नीड टू बॉयल वाटर इन फॉलोइंग एक्टिविटी इस एक्टिविटी में आपको वाटर बॉयल करना है वी विल डिस्कस दिस एक्टिविटी इन आर नेक्स्ट वीडियो टिल चिल्ड्रन स्टेट यून टू आयर यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच